मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ फ्रेंच फ्राई बनाने। तो इसके लिए आलू मैं 3 छील लिए हैं और छील कर कट करके आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा चाकू थोड़ा सा चुकीला नहीं है, इसीलिए मैं पासून से काट रही हूँ। तो साइड से आप इसको निकाल सकते हैं और चाहिए तो चिप्स बनाकर आप उसको यूज कर लीजिएगा। और इसमें हम 3 पीस करेंगे, थोड़ा मोटा ही होना चाहिए फ्रेंच फ्राई। तो आप देख सकते हैं इसको निकाल दिए हैं और इसमें से 3 भाग कर लिए, इतना मोटा बिल्कुल चाहिए आपको। तो इसको कट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल इतना मोटा चाहिए आपको फ्रेंच फ्राई। देखिए बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल इस तरह से कट करके पूरे आप दिखाते। और फ्रेंड एक बात और, तो पहले पानी ले लीजिए, पानी कट करके जाते जाइए और पानी में इसको डालते जाइए, ताकि जितने भी आलू का ये हैं इसमें कबाटी रहता है वो सब निकल जाए पानी में अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, मेरा फ्रेंच फ्राई कट के तैयार हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से 4 पानी धो लिए हैं, 4-5 पानी, ताकि अंदर से इसका गंदगी निकल जाए। और एक हथाली ले लिए हैं। आप कोई भी कॉटन कपड़ा आप ले लीजिए, और कुछ भी हो कॉटन कपड़ा, तौलिया जो भी है ले लीजिए। लेकर उसमें आप जो फ्रेंच फ्राई आप कट किए हैं उसको उसी में अच्छी तरह से पानी को सुखा लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं पूरे अच्छे से, चाहे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं आप लोग। तो इसको पानी थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट के बाद हम फिर दिखाते हैं आपको। तो आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे आलू अच्छी तरह से पानी इसका सूख गया है, बिल्कुल पानी नहीं लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको फिर आगे प्रोसेस में दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मेरा 2 चम्मच, मतलब लगभग 1.5 चम्मच मैदा डाल रही हूँ और अरारोट डाल रहे हैं लगभग 2 चम्मच, क्योंकि अरारोट का मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपका जो है फ्रेंच फ्राई क्रिस्पी बनेंगे। और यहीं पे फूड कलर डाल रही हूँ, डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और डालकर इसको, पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, बिल्कुल पानी इसमें नहीं डालना है। बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग इस तरह से तैयार हुआ है। यहाँ पे मैं कढ़ाई रख ली हूँ, कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ रिफाइंड, और इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तब मेरा जो फ्रेंच फ्राई है तो क्रिस्पी बनेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा तेल गर्म हो गया है रिफाइंड, और उसी में मैं अपना डाल रही हूँ फ्रेंच फ्राई। ये करके का करके आप आराम से इसको फ्राई कर लीजिए। डाल लेते हैं, डालकर फिर फ्लेम को हाई था, अभी लो कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरा एक तरफ से सिक गया है, अब दूसरे तरफ से इसको भी पलट देते हैं। तो फ्रेंड्स हो चुका है मेरा, और इसको निकाल लेते हैं इस बर्तन में। तो मेरा फाइनली फ्रेंच फ्राई तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हैं। आप कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं,
धनिया पत्ती, टमाटो सॉस जो भी आपके पास है उसके साथ खा सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।